बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मालूम भी होगा कि 25 मार्च को जुमा के दिन हम लोग समाजवादी पार्टी ऑफिस कोनार आर्केड से राशन ऑफिस का तक का मोर्चा निकालेंगे और वहाँ घेराव आंदोलन करेंगे। हम बैठेंगे, किस चीज़ का मोर्चा और किसके लिए घेराव करेंगे हम? सर, जो राशन ऑफिस भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए और भ्रष्टाचार चालू है, राशन ऑफिस में दलाल बैठे हुए हैं, दलाली कर रहे हैं, वहाँ को लोगों को राशन बराबर नहीं मिल रहा है, बहुत सारी खामियाँ हैं राशन ऑफिस की। तो एक तरह का सिर्फ घेराव हो रहेगा कि उसको निवेदन दिया जाएगा कि किस तरह से आप मांग करेंगे सरकार से, या ये जो जो प्रदर्शन है ये मोर्चे के रूप में, घेराव के रूप में, चेतावनी के रूप में, किस रूप में? ये तो मोर्चा निकलेगा और जो आगे चल के आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें किन लोग कौन क्या क्या मांगे रहेगी आपकी मुख्य? पहली बात तो वहाँ से जितने दलाल वहाँ हटा दिए जाए राशन ऑफिस के, और जो वहाँ पे कालाबाजारी चल रही है, जो लोगों को जाते हैं, जो लोगों को इज्जत नहीं मिलती, भगा दिया जाता है, उनका काम नहीं होते, वो सब स्मूथ होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि आम आदमी जाए वहाँ पे राशन ऑफिस तो उसका काम होए, किसी दलाल किसी ब्रोकर की ज़रूरत ना हो। और दूसरा मुद्दा ये कि राशन बराबर मिले, सिर्फ दो चीज़ें मिलती है, वो भी कभी कभी, कभी गेहूँ कभी चावल, चावल से गेहूँ खाएगा आदमी या गेहूँ से चावल खाएगा। तो क्या मसला ऐसा भी है कि राशन दुकानें तो ज्यादातर खुलती ही नहीं टाइम के मुताबिक? राशन दुकानों का तो बहुत बड़ा मसला है, खुल ही नहीं रही है। और जब से हमारे आमदार आए हैं, 2500 लीटर कितने लीटर दे चुके हैं, और इन्होंने असेंबली में आवाज भी उठाई है, मगर अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा है। क्या आप सरकार में हो ना फिर? सरकार कुछ सर, महाविकास आघाड़ी में 11 लोगों की सरकार है, 11 पार्टियां हैं, जो कि हमेशा महाविकास आघाड़ी बोलती है कि हम लोग 3 आदमी के, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। हमारे ऐसे 8 लोग और हैं जो कि इसलिए लगे हुए हैं कि बीजेपी की सरकार ना आ जाए, बस इसी के लिए हम लोग दिए। अभी तो अभी तो वो कह रही है कि महाविकास आघाड़ी की हम लोग 3 की पार्टी और चौथा जो MIM को लेने के चक्कर में है, तो आपका नंबर कहाँ है? मतलब MIM चौथे नंबर पे रहेगी? हम तो कह दिए कि हम लोग उसी में से है, हम 8 लोग, हमारी नहीं, हमारी गिनती मत करिए, 8 लोग उसी में से है कि हम सिर्फ बीजेपी को इक्तदार से बाहर रखने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। रियाज भाई, क्या समाजवादी क्या आपके आपके 8 लोगों ने अगर कभी समर्थन निकाल दिया महाविकास आघाड़ी से, तो महाविकास आघाड़ी गिर जाएगी? ये हमारे नेता माननीय श्री कायद अबू आसिम आजमी, जो हमारे सदर हैं, वो बता सकते हैं इस सवाल का जवाब। रियाज भाई, क्या समाजवादी पार्टी? शहर की राजनीति जानता हूँ, शहर की राजनीति उन्होंने मुझे दी है और मैं उसी को कर रहा हूँ। यहाँ के आवामी मसले हैं, मेरा ये समझ में आया कि मुझको ये करना चाहिए, जो जो मसले हैं शहर के वो मसले उठाता हूँ। अगर आंदोलन के बाद भी सुनवाई नहीं होगी तो क्या आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा घेराव शुरू रहेगा, हम लोग यहाँ जाएंगे, प्रांत ऑफिस में जाएंगे, हम लोग जो कर सकता करेंगे, बहुत सारे हैं आगे रास्ते बहुत हैं। क्या समाजवादी पार्टी अपने ही MLA के खिलाफ जो है धरना मोर्चा करेगी? क्योंकि देखा जाए तो राजनीति डिपार्टमेंट में जो विजिलेंस का डिपार्टमेंट होता है उसमें MLA जो है चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होता है। सर, ये दक्षता कमेटी जो है ना, ये बहुत पुरानी चली आ रही, नई बनी नहीं कोविड की वजह से, और उसमें जो है मामला जो पुराने लोग वही चले आ रहे हैं, अभी तक दक्षता कमेटी बनी नहीं। और MLA का मामला तो आपको बता दिया हमने कि महाविकास आघाड़ी की सरकार, हमारे MLA ने बहुत सारे लेटर लिखे। इस संबंध में क्या समाजवादी पार्टी ने कोई पत्र व्यवहार किया है राशन के सीधा वार्ड पर? कई पत्र व्यवहार हुए हैं, इनमें पहले भी कई पत्र व्यवहार हो चुके हैं, लोग जा चुके हैं, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर जैसे हमीद भाई, ये लोग जाकर आए हैं, जाते हैं लोग, हम लोग तो अपना आदमी दिए है वहाँ पे। रेसलिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं सुनते तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई, आपके आमदार क्यों नहीं करते कार्रवाई? कार्रवाई के लिए सब कुछ किया जा रहा है भाई, लेटर दिया जा रहा है, क्या करेंगे आप, घुस जाओगे? जो आप कर रहे हैं वही करना था, लेटर ही दे सकते। रियाज भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दलाल को हटाओ वहां से, तो ये देखा गया है कि दलाल तो सरकारी कामों के हर शोबे में, जैसे कि RTO में भी जाओ तो आपको वहां पे RTO एजेंट मिलते हैं, तो वैसे यहां पे जो दलाल है तो वो जो लोग आते हैं अपने आप राशन बनाने के लिए, तो वो लोग उनको हेल्प करते हैं ताकि वो पढ़े लिखे नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं अगर दलाल हटेंगे तो फिर वापिस से दिक्कत आएगी। तो दलाल को हटा के आप लोगों ने क्या इस तरह से कुछ मांग की है कि जो वहाँ के अधिकारी है वो लोगों को हेल्प करे? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि वो जो अधिकारी है उनकी हेल्प करे, इसी की नौकरी है, इसी की सैलरी लेते हैं वो लोग। लेकिन वहाँ सही तरीके से बात भी नहीं की जाती, वहाँ सही तरीके से बात भी नहीं की जाती। और हमारे यहाँ एक बंदा अपॉइंट किया गया है, उसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, वो राशन ऑफिस में जाता है, लोगों को काम करा के लाता है। आज जी बताएंगे, जिस तरह से देखा जाए राशन कार्ड आपके कार्यालय से बनाया जाता है, यानी कि आमदार साहब के कार्यालय से बनाया जाता है,
समाजवादी पार्टी कार्यालय समाजवादी पार्टी के आमदार के जो कार्यालय वहां से बनाया जाता है पिछले कई वर्षों से, यानी कि जब से हम कह सकते हैं कि आमदार चुनके है उसके 2-3 महीने के बाद काम चालू हुआ। तो क्या आपको उस दिन से ये बात की पता नहीं थी कि राशन कार्यालय में किस तरह से जो है दुर्व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ में? सर सब मालूम था, इनको लेटर दिया जा रहा था बार बार, आज 2-2.5 साल हो गए हमारे आमदार चुनाव लेटर दिया था पत्र व्यवहार, अब अचानक कार्रवाई करेंगे तब भी आप लोग बोलेंगे अचानक पत्र व्यवहार। तो आमदार के इतने पत्र देने के बावजूद भी महा विकास अघाड़ी के सरकार पे कान जू नहीं रख रहे, कान पे क्या करेंगे आप? रियाज भाई, एमएलए रईस शेख साहब ने 2 दुकानों को विजिट किया था, 163 नंबर और 96 भागे फिरदौस पे और सागर प्लाजा के पास, तो वो दुकान पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर उसमें कुछ खामी थी तो आमदार साहब को एक्शन लेना चाहिए। आमदार साहब ने लेटर दिया, उसको कार्रवाई करने को बोला, कुछ लोगों पे कार्रवाई का जिम्मेदार पूरा एमएलए नहीं होता, एमएलए हमारे पास पूरा पत्र व्यवहार, हम उनको मजबूत कार्रवाई के लिए हम लोग दिए हुए। मतलब आपका कहना है कि महा विकास अघाड़ी आपके एमएलए की सुन नहीं रही? मतलब जितना सुनना चाहिए उतना नहीं सुन रही है, सुन रही है। तो क्या आपके इस आंदोलन से शहर वासियों को राशन दुकान की जो धांधली चल रही है दुकानदारों के और कार्यालय पर, क्या उससे निजात मिलेगा आपके आंदोलन से? आंदोलन हमारा, आंदोलन बहुत से लोग करते हैं ना, आंदोलन हमारा हक है। आज हम लोग ये राशन दुकान के राशन ऑफिस पे कर रहे हैं, राशन दुकान पे करेंगे, तहसीलदार ऑफिस में काम नहीं होगा वहां करेंगे, जिस जिस शोबे में दलाली हो रही है, जिस जिस शोबे में मेरे भिवंडीकर को तकलीफ हो रही है, वहां समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन। ज्यादातर दुकानदार भी खुद दलाली करते हैं, राशनिंग दुकानदार जो है वो खुद दलाली करते हैं। बोलिए, तो इसीलिए की जा रहा है ना ये धरना मोर्चा? रियाज भाई, एक तरफ शहर के अंदर मैसेज घूमता है, वीडियो घूमता है कि आमदार रईस शेख ने हाउस में मेट्रो के लिए आवाज उठाई और उनको जवाब देना पड़ा, महा विकास अघाड़ी सरकार को जवाब देना मेट्रो के संदर्भ में, जो कि कितना बड़ा कई हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है। और वहीं एक तरफ आप कह रहे हैं कि राशन की एक तुच्छी सी जो शिकायत है उसके ऊपर महा विकास अघाड़ी सरकार सुन नहीं रही है, तो ये कहीं ना कहीं भाई जो आप मेट्रो की सरकार मेट्रो बता रहे हैं, मेट्रो का डिसाइडेड था, आज 5 साल से मेट्रो पेंडिंग चल रहा था जी, और आज मेट्रो का जो भी व्यवहार पेंडिंग मेट्रो का रुका हुआ है, 5 साल से पूछा जा रहा था, आप एक बार में नहीं बता रहे, आप उस एक वीडियो को देख रहे हो, 5-2.5 साल से आमदार साहब खुद बोल रहे हैं, इससे हमारे कायद अबू आसिम आजमी कई मरतबा इनमें मार दिए जा चुके हैं, और उनके उनके आप दस्तावेज है, फोटो है, लेटर है, सब कुछ है। आज आप लास्ट इमेज को देख रहे हो, इस 3-4 साल 5 साल की मेहनत है, उसके बाद ये सब आ रहा है। आमदार साहब का मानना ऐसा है कि उन्होंने असेंबली में आवाज उठाई कि भिवंडी का मेट्रो का जो रूट्स ले जाया जा रहा है, कल्याण रोड संघर्ष समिति को समझाने का काम उन्होंने किया, कई बार आंदोलन को रोकने का काम किया, तो इस पर भी जो है सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आमदार ने इस पर कोई दखल नहीं दी, क्या क्या सच्चाई है इसके पीछे? दखल नहीं देते, दखल देते, देखिए इंटरनल राजनीति, ये तो आप उन्हीं से सवाल पूछेगा, मुझे पता नहीं किया, मगर आमदार साहब मेट्रो 5 को लेकर बहुत चिंतित थे और हमेशा लगे रहते कैसे मेट्रो आए, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी आने जाने में। और आपको फिर से बता दूं, जो बंजरपट्टी नाका लेके जाना है या उसको लेके जाना है, ये जो मेट्रो है इसमें जापान मेट्रो कॉरपोरेशन वो बनाने वाली है, वो अपनी फिजिबिलिटी देखती है कि कितना खर्च हो रहा है, क्या आ रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड है, और बार बार फिजिबिलिटी कल्याण रोड की दिख रही थी, वो लोगों ने नए गाँव वाले जो रोड है उस पर फिजिबिलिटी बैठाई थी, नहीं बैठी। रियाज भाई, मैं